हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी संख्या में आने वाली वैकेंसी की, जो कि 30,000 से अधिक पदों पर होने वाली है। जूनियर शिक्षक भर्ती, जहां बीएड वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही, साथ में बीटीसी जिन्होंने किया है, डीलेड जिन्होंने किया है, एसटीसी जिन्होंने किया है, वो अभ्यर्थी भी जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पद जो है यहाँ पर 30,000 से भी जो है अधिक है, और भर्ती का जो नाम है जूनियर भर्ती है, यहाँ पर सीटेट पेपर 2 जो है यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे समझाऊंगी, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझिए कि आप लोगों के स्नातक में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से जो है वो समझिएगा, धैर्य बनाकर जो है वो रखें, अंत तक वीडियो देखें, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बिहार शिक्षक भर्ती की, जो कि 30,000 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है, और ये जो पद का नाम है ये जूनियर शिक्षक का पद रहे। यहाँ पर आप किस क्लास के जो है वो टीचर बनेंगे, तो 6 से 8वीं तक क्लास के जो है वो अध्यापक बनेंगे। योग्यता जो है, अगर यहाँ पर जो है वो क्या कही गई है, तो योग्यता यानी जो भी स्टूडेंट जिसने सी टेट पेपर 2 क्लियर किया है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यदि आप लोगों के पास जो है वो बीएड की डिग्री है, आप लोगों के पास जो है वो डीलेड की डिग्री है, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास बीटीसी है, आपने जो है वो बीएसटीसी किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल पाएंगे। लेकिन एक शर्त और है कि यहाँ पर जो है स्नातक मांगा गया है, और आप सभी जानते हैं कि बीटीसी या बीएसटीसी वाले बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने स्नातक किया होता है, ठीक, क्योंकि 12th के बाद जो है वो बीटीसी बीएसटीसी डीलेड कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो यहाँ पर बीटीसी बीएसटीसी और डीलेड वालों को मौका तभी मिलेगा जब उनका स्नातक भी जो है कंप्लीट हो और सीटेट पेपर 2 भी पास होना जरूरी है। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट से संबंधित, यहाँ पर जो है आप लोगों को आपका सब्जेक्ट जो है वो जरूर मिलेगा। आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, सारा कंफ्यूजन जो है यहाँ पर आपका दूर हो जाएगा। यानी आप लोगों ने ग्रेजुएशन में, आप लोगों ने स्नातक में अगर जो है ये 2 विषय पढ़े हैं, एसएसटी के स्टूडेंट के लिए पहले मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने स्नातक में ये 2 विषय पढ़े हैं, यानी आपने जो है वो इतिहास पढ़ा है, आपने जो है वो भूगोल पढ़ा है, आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है, या फिर आपने जो है राजनीतिक विज्ञान विषय पढ़ा है, वाणिज्य वाणिज्य विषय अगर आपने पढ़ा है, या आपने समाजशास्त्र विषय ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ठीक है, इसके अलावा अगर आपने दर्शन शास्त्र विषय पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो इनमें से कोई भी जो है 2 विषय अगर आपने ग्रेजुएशन में किए हैं, पढ़े हैं 3ों साल, तो आप यहाँ पर जो है 30,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो है वो साइंस और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने स्नातक में जो है साइंस या मैथ्स जो है वो 3ों साल पढ़ी हो और इसी के जो है वो अध्यापक बनेंगे। जो भाषा के शिक्षक बनेंगे, तो उन्होंने भाषा जो है वो स्नातक में पढ़ी हो, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, उर्दू है, ये भाषा जो है उन्होंने स्नातक के 3ों सालों में पढ़ी होनी चाहिए। एग्जाम में आप लोगों के जो है किस तरीके से जो है वो पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए। पहला जो पेपर आपका भाषा का रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि इंग्लिश के जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और दूसरा पेपर जो है वो हिंदी या उर्दू या बंगाली, जो भी भाषा का चयन आप लोग करेंगे इनमें से एक, तो वो आपकी रहेगी 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, और इनमें जो आप लोगों का केवल और केवल पास होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यानी यहाँ पर जो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें और तनाव में भी बिल्कुल ना रहें, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा, यानी आपका सब्जेक्ट जैसे एसएसटी सब्जेक्ट से संबंधित जो है क्वेश्चन आप लोगों के 80 मार्क्स के जो है वो पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज में जो है आप लोगों के जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, तो इसमें जो आप लोगों का क्या पूछा जाएगा,
जो कि सभी के लिए जो है वो कॉमन रहेगा। यहाँ पर जो है जीके पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, ईवीएस पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यानी पीआरटी का जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, बिहार में पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था, तो वही जो है आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। इस तरीके से आप लोगों का 220 क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी, और यहाँ पर जो है सीटेट पेपर टू क्वालिफाई स्टूडेंट, बीएड, डीएड, बीटीसी, एसटीसी स्टूडेंट जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अभी जो है आप लोग आवेदन कब से कर पाएंगे, तो आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल देखा होगा न्यूज़पेपर में भी जो है ये चीज़ आई थी कि 6 से 8 तक लगभग जो है वो 52,000 वैकेंसी आएगी, और 15 अक्टूबर तक जो है वो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, और एडवर्टीजमेंट जैसे ही मेन वेबसाइट पर जारी होगा तो बिल्कुल आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो केवल 6 to 8 में जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर भर्ती जो कि 30,000 से भी अधिक पदों पर होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 52,000 जो है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो 9 से 12 तक के रिक्त रह गए पद और नए पदों को जोड़कर उच्च माध्यमिक स्तर की भी जो है वो वैकेंसी आएगी, लेकिन पीआरटी यानी प्राथमिक अध्यापक की जो है वो वैकेंसी अब नहीं आएगी, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी आप सभी जानते हैं कि बिहार में पहले 1,70,000 शिक्षक भर्ती आई थी, और फटाफट से जो है वो काम पूरा हो चुका है, और नेक्स्ट जो भर्ती है वो आपकी जो है वो 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी सूचना थी आप लोगों के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मौके को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा मौका जो है वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा आगे। क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी पहले भी आ चुकी है 1,70,000 पर, और आगे भी जो है वो 52,000 पर वैकेंसी आ रही है। तो शायद ही जो है वो आप लोगों को 2 या 3 सालों में जो है टीचर भर्ती जो है वो देखने को मिले, ठीक है। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही ये चीज़ बहुत अच्छी, बाकी यहाँ पर जो है मौका मिल रहा है अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को, क्योंकि और भी जो स्टेट के टीचर्स की जो वैकेंसी निकाली जा रही है तो स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये मौका जो है वो आप लोग बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। सबसे ज्यादा जो है वो एसएसटी में जो सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन था, तो सभी सब्जेक्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपके स्नातक में यहाँ पर होने चाहिए। तो जैसे ही एडवर्टीजमेंट जारी होता है बिल्कुल आप लोगों को सूचना मिलेगी वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो बनता है आप लोगों को जानकारी मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।